सभी बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया, सारे बच्चे आए ना? सर ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देख बच्चों, अब देखो अभी हम ये पार्ट स्टार्ट किया था बच्चों, हमने हेलो अल्किन और हेलो इनकी पढ़ाई की। अब हमने क्या पढ़ा बच्चों? हमने पढ़ाई किया था प्रिपरेशन, हमने क्या पढ़ा था बच्चों? प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्किन, है ना? हमने हेलो अल्किन का प्रिपरेशन पढ़ाई किया, हाँ है ना बच्चों? क्या क्या नहीं किया बोलो, क्या था ना? यस, यस ओके। अब देख बच्चों, हमने ये देखा था, हमने ये भी देखा उसके अंदर बच्चों, कि हम प्रिपरेशन किससे किया, कहाँ से किया था बच्चों? पहले हमने कहाँ से किया था? अल्कोहल से किया, हाँ है ना बच्चों? हमने अल्काइल हैलाइड को कहाँ से बनाया बच्चों? पहले आर आर अल्कोहल से बनाया, हाँ है ना? सेकंड सर हमने कैसे बनाया बच्चों? सेकंड हमने कैसे बनाया? हमने अल्किन से बनाया, हमने अल्किन से बनाया। फिर तीसरा हमने कहाँ से बना बच्चों? फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स, अगेन अल्किन से बना। फिर हमने क्या बना? फिर हमने अल्किन से बनाया, आया ना बच्चों? हमने ये प्रोपार्ट किया। अब देखो, जब हमने अल्कोहल से बनाया था बच्चों, वहां पे कुछ बेसिक बेसिक नेम रिएक्शन थे। कौन सा था बच्चों? एक था आपका लुकास रिएजेंट, है ना? नेम रिएक्शन था, नेम रिएजेंट था। दूसरा क्या था बच्चों? आपका टार्जन रिएक्शन, आया ना? है ना यस बच्चों? सर टार्जन रिएक्शन, डाजनेशन था। हमने अल्किन से कैसे किया बच्चों? हमने अल्किन से कैसे पढ़ाई किया? क्या था बच्चों? कार्बन के में डबल बॉन्ड था, क्या कैसे किया था बच्चों? हमने क्या था आपका वहां पे? मार्कोनी को रूल से फॉलो किया था, हमने वहां पे मार्कोनी को रूल फॉलो किया था बच्चों, था ना बच्चों, है कि नहीं? और हमने यस अल्किन से सर किससे बनाया बच्चों? हमने अल्किन से बनाया था आपका अल्ट्रावायलेट लाइट से, किससे? आपका यू लाइट से हमने बनाया था। हमने इन सारा एनवायरमेंट पढ़ाई किया। हमने क्या पढ़ाई किया बच्चों? कुछ हमने नेम रिएक्शन में पढ़ाई किया बच्चों, कुछ हमने नेम रिएक्शन में पढ़ाई किया। नेम रिएक्शन में क्या पढ़ाई किया बच्चों? एक हमने पढ़ा आपका फ्रैंकलेशन रिएक्शन, दूसरा हमने क्या पढ़ा बच्चों? शॉर्ट सेक्शन पढ़ाई किया। हमने क्या पढ़ा बच्चों? आपका हंस डिकर रिएक्शन के बारे में पढ़ाई किया। अब मुझे कौन मतलब मुझे बताएगा कि हमने शॉर्ट रिएक्शन में हम कौन सा रीजन हम देखते हैं बच्चों? हम शॉर्ट रीजन में कौन सा रीजन यूज करते हैं बच्चों? कौन बताएगा मुझे? हैंड रेस्ट करो, कौन यूज क्या यूज करते हैं बताओ जरा। अगर मैंने क्या लिया बच्चों? अगर मैंने ये लिया, दैट इज आर सी एल यूज लिया है बच्चों, और मैं यहाँ पे क्या लूंगा तो मेरा आपका आंसर आएगा बच्चों। और कौन सा रेक्शन बच्चों? ये मेरा आपका शॉर्ट, ये मेरा आपका शॉर्ट सेक्शन। बोलो बच्चों, कौन सा रीजन में लूंगा बच्चों? बोलो जल्दी बताओ बच्चों, क्या लूंगा मैं? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए बच्चों? तो आप क्या बोलोगे बच्चों? आप क्या बोलोगे? या तो आप सिल्वर फ्लोराइड यूज करोगे, राइट? हरे आपने एकदम से बोला। या तो ये बच्चों आप एंटीमोनी ट्राइफ्लोराइड यूज करोगे, या तो ये यूज करोगे बच्चों आप HG2 F2 यूज करोगे। और आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? आपका क्या बनेगा? आपका बनेगा आपका RF बनेगा। तो यहाँ पे हो क्या बच्चों? यहाँ पे आपका हाइड्रोजन एक्सचेंज, हाँ है ना बच्चों? यस या नो सारे बच्चे, है ना? तो ये पूरा पार्ट, हाँ, तो ये पूरा पार्ट हमने कल प्रॉपरली पढ़ाई किया। अभी तो हमने पढ़ाई किया। अभी बच्चों आज क्या पढ़ने वाले बच्चों? आज हम पढ़ने वाले हैं आपका प्रिपरेशन ऑफ हेलो। क्या पढ़ने बच्चों? हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरिन। अब देखो हेलो अरिन मतलब क्या होता है बच्चों? क्या होगा आपका? आपका ऐसा बेंजीन नहीं हुआ, क्या बच्चों आपका? आपका ऐसा बेंजीन नहीं हुआ क्या? और क्या बच्चों होगा वहां पे आपका हेलोजन ऐड होगा, क्या वहां पे आपका हेलोजन ऐड हो चुका। अब देखो ये लगा, ये आपका पहला मेथड बच्चों, ये आपका पहला मेथड है। पहला मेथड क्या क्या है बच्चों? एक होता आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मुझे बताओ बच्चों, क्या आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में पता है कि नहीं पता है? किसको पता है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? कौन बोलेगा? अब देखो बच्चों, देखो यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोफाइल के बारे में, जब बात करता हूँ बच्चों, जब मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल के बारे में, उसका मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसे क्या होगा? ऐसा क्यों क्या पढ़ोगे जिसमें क्या होगा आपका, जिसमें आपका क्या होगा, आपका क्या होगा बच्चों? आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। इसका क्या हो चुका करेगा? वो आपको इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, है ना बच्चों? इलेक्ट्रॉन को गेन यस देखा,
हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बच्चों, हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बच्चों, तो आप क्या बोलोगे? न्यूक्लियोफाइल ऐसा होता है बच्चों जिसपे क्या होता है आपका, जो आपका न्यूक्लियोफाइल उसमें क्या होगा, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका न्यूट्रॉन, उसके बाद क्या होगा बच्चों, क्या करेगा वो आपको इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। हाँ या ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इतना पार्ट से पूछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, यस सर, ओके। अब देखो मैं प्यारे बच्चों, अब क्या होता है, जिससे मैं ये बोल रहा हूँ, अगर मैं आपको बोलता हूँ ये आपका OH माइनस है ना, अगर मैं आपको बोलता हूँ HCl माइनस है, ये सब क्या बच्चों, ये सर आपके न्यूक्लियोफाइल, मतलब क्या बच्चों, इनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या करते हैं ये सामने वाले, या इससे क्या करेंगे सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे देंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ है ना, होगा यस सर, ओके। और इलेक्ट्रोफाइल क्या करते हैं बच्चों, उनके पास पॉजिटिव चार्ज है, और क्या करें बच्चों, वो आपके इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करें। इतना पर सब समझ में बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, सारे बच्चे ओके। बहुत बढ़िया। अब देखो, अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ पार्ट दिया है। ये पार्ट क्या है बच्चों, अगर मैं आपको ये पार्ट के बारे में बताऊं तो ये क्या बच्चों, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका एक बेंजीन रिंग है, और क्या बच्चों यहाँ पे आपका क्या, आपका मिथाइल है, क्या बच्चों यहाँ आपका एक, ये आपका मिथाइल है। तो मिथाइल क्या करता है बच्चों, मिथाइल करता है ये आपका इलेक्ट्रॉन देता है। हाँ है ना बच्चों, इससे अनु देगा, बोलो बच्चों। यस सर, देखो बच्चों, अगेन बोल रहा हूँ, आप थोड़ा क्लास में ना थोड़ा पार्टिसिपेट करिए, नहीं तो ऐसा लगेगा मैं खाली अपने आप को पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज वो मत करना, ठीक है? अब देखो, अब सिंपल से बात में बोल रहे थे, अगर आपका क्या, आपका अगर आपका कैसा है बेंजीन है आपका, क्या बच्चों यहाँ पे आपका तो बेंजीन है बच्चों, तो उसमें क्या बच्चों, क्या होगा अगर आपका बेंजीन में ऐसा कोई ग्रुप लगा है, क्या रहा बच्चों, जिससे क्या हो रहा है, जिसका जिससे क्या हो रहा है आपका, जिससे आपका ऐसा कोई, जैसे ऐसा कोई ग्रुप लगा है बच्चों, जिससे क्या हो रहा है, जिसमें आपका ऑर्थो और पैरा पे क्या रहा बच्चों, क्या आ रहा है आपको यहाँ पे, आपका क्या रहा आपका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, क्या रहा बच्चों आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है बच्चों, क्या ये क्या बनेगा बच्चों, ये बना आपका न्यूक्लियोफाइल, क्या बना बच्चों, ये आपका न्यूक्लियोफाइल बना। अब देखो ये क्या बच्चों, ये आपका एक्स टू है, एक्स टू मतलब क्या, मान लीजिए यहाँ पे ले लिया मैंने आपका सीएल टू, लिया क्या मैंने आपके, मैंने सीएल टू लिया बच्चों। अब देखो सीएल टू ऐसा होगा ना बच्चों, एक सीएल ऐसा होगा और एक सीएल ऐसा होगा। हाँ या ना बच्चों, होगा। यस जैसे सर, मान के चलो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे आपका हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मतलब क्या होगा बच्चों, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ तो कैसा होगा, ऐसा बनेगा, एक बनेगा सीएल पॉजिटिव, एक बनेगा सीएल नेगेटिव। हाँ या ना बच्चों, बनेगा। यस सर, अब देखो ये क्या बना बच्चों, सीएल पॉजिटिव बना, तो क्या बच्चों इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन कमी है, तो क्या है बच्चों ये ऐड करेगा ऐसे इलेक्ट्रोफाइल। अभी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा बच्चों, कहाँ पे अटैक करेगा बच्चों, या तो ये आपका ऑर्थो पे अटैक करेगा, या तो ये आपका क्या पे, आपका पैरा पे अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पे करेगा, या तो पैरा पे, या तो आपका दूल्जे पे करेगा। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है बच्चों, जो आपका पैरा वाला पार्ट है, जो आपका पैरा वाला पार्ट है क्या होता है बच्चों, ये आपका ज्यादा स्टेबल होता है, ये आपका ज्यादा स्टेबल होता है बच्चों। इसके रीजन क्या है बच्चों, बिकॉज अब देखो सिंपल बात है, अगर आपका ऑर्थो में क्या होता है, ये आपके बाजू बाजू में, देखो अगर मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर मैं आपको ऐसे कुछ बताया, मान के कुछ बताया, यहाँ पे सीएल है और यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे मान के यहाँ पे आपका सीएस, तो क्या बच्चों ये सीएल यहाँ पर है और ये सीएस यहाँ पे, क्या हो रहा बच्चों, क्या हो रहा है इसमें, क्या इसमें आपका स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब क्या होगा, रिपल शील्ड होगा, जिससे क्या होगा आपका ये मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा। तो क्या होगा वो, होगा बच्चों जो आपका कौन सा पैरा वाला पार्ट है, जो आपका पैरा वाला पार्ट है वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो आपका ज्यादा स्टेबल, क्यों बच्चों, इसमें से आपका डिस्टेंस ज्यादा है। इतना पार्ट सबको समझ में आ गया बच्चों? हाँ है ना, यस सर, ओके। अब मैं चाहता हूँ ये जो अभी अभी मैं चाहता हूँ, अभी मैंने जो पूरा पार्ट पढ़ लिखा पढ़ा है मैंने, तो उसको पढ़ेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो पढ़ने की कोशिश करो बच्चों। हैंड डेस्क करना पड़ेगा, हैंड डेस्क करो प्लीज, ओके। नैन्सी बेटा प्लीज पढ़िए जरा, बच्चा प्लीज पढ़िए, अल्काइल अराइल क्लोराइड्स,
Aryl chlorides and bromides can be easily prepared by electrophilic substitution of arenes with chlorine and bromine respectively in the presence of Lewis acid catalyst like iron or iron chloride. Iron three chloride, iron three chloride, मतलब कि देखो ऐसा होगा, या तो आपका आयरन होगा या तो आपका FeCl3 होगा. ये क्या बच, ये क्या होता है बच्चों, इससे हम क्या कहेंगे, इससे हम क्या कहेंगे आपका लुईस एसिड. तो क्या कहेंगे बच्चों, ये आपका लुईस एसिड कहेंगे. तो लुईस एसिड क्या होता है बच्चों, जो आपका इलेक्ट्रॉन लेता है, हाँ है ना बच्चों, है ना? Yes, sir. Yes, sir. और लुईस, और लुईस बेस क्या होता है बच्चों, जो आपके इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. और बताया आपके, अब पढ़ो आगे, पढ़ो बच्चा क्या लिखा है यहाँ से, पढ़ो यहाँ पढ़ो. The ortho and para isomers can be easily separated due to large difference in their melting points. Reaction with iodine are reversible in nature and require the presence of an oxidizing agent HNO3 HIO4 to oxidize the HI formed during iodination. Fluoro compounds are not prepared by this method due to high reactivity of fluorine. क्या होगा बच्चों, हम यहाँ पे फ्लोरीन नहीं बना सकते, या तो क्या बनेगा बच्चों, या तो क्या होगा बच्चों, क्या बनेगा, या तो सील एड होगा, या तो बी आर एड होगा, या तो आपका आयोडीन एड होगा. तो आयोडीन में कैसे होगा बच्चों, कैसे करेंगे, उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, करना पड़ेगा आपका एच एन ओ थ्री एड करना पड़ेगा, प्लस आपका एच आई ओ फोर एड करना पड़ेगा. इतने परसेंट पर बच्चों, ये क्या बच्चों, ये आपका क्या है, ये आपका रिएजेंट बच्चों. इतना परसेंट समझ में, समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. अब देखो, yes, sir. अब देखो, अभी मैं आपको अगेन आपको समझा रहा हूँ, प्लीज आपको समझना जो मैं आपको, जो मैं बता रहा हूँ आपको. ये क्या बच्चों, ये आपका बेंजीन है, ये आपका बेंजीन है. अब देखो, ऐसा कोई ग्रुप आता है, क्या होता है बच्चों, ऐसा कोई ग्रुप आता है जो क्या करता है, जो आपका रिम करता है, रिम में आपका क्या रहा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है, आपका रिंग में इलेक्ट्रॉन को डालता है. उससे हो गया बच्चों, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा आपका, ये देखो, ये कैसा, ये क्या होता बच्चों, ये होता आपका ऑर्थो, ये होता आपका मेटा, और ये होता आपका पैरा. ये कैसा होगा बच्चों, ये कैसा होगा, ये होगा मेटा और ये होगा आपका ऑर्थो. तो होता क्या बच्चों, अगर आपका ऐसा का ग्रुप आता है जिससे क्या होता है, जिससे वो ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन रिंग में अंदर डाल रहा है, इससे क्या होगा बच्चों, इससे क्या होगा, इससे ये होगा आपका जो ऑर्थो पोजीशन है और जो पैरा पोजीशन, उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें आपका क्या होता है बच्चों, उसमें आपका नेगेटिव चार्ज, क्या होता है आपका, क्या आपका बंदा, आपका नेगेटिव चार्ज प्रयोग होता है बच्चों. इससे क्या होगा बच्चों, आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है, क्या होगा बच्चों, आपका जो इलेक्ट्रोफाइल क्या 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 करेगा बच्चों, या तो वो ऑर्थो पाएगा या तो वो पैरा पाएगा. और इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा बच्चों, जो आपका पैरा वाला पार्ट है, ये आपका से ज्यादा स्टेबल होगा. इतना बार सब समझ में आ गया बच्चों, हाँ या ना? ओके अब देखो बच्चों, अभी मैं आपको एक चीज और बताता हूँ. देखो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसा हो, ये कैसा बनता है ऑर्थो और पैरा पर, कैसे पार्ट नेगेटिव डालता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ. ध्यान समझ रहे सारे बच्चे, प्लीज आप प्रॉपर समझना. ओके देखो, ये क्या बच्चों, ये मैंने क्या बना, ये मैंने आपको बेंजीन, ये मैंने आपका यहाँ पे बेंजीन बना दिया. यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे मैंने आपका क्लोरीन डाला. अब क्लोरीन में ऑटोमेटिक कितने इलेक्ट्रॉन होता है, कितना होता है बच्चों आपका, सात इलेक्ट्रॉन होता है क्लोरीन के ऑटो, कितना सात इलेक्ट्रॉन, तो कितना एक बॉन्ड, कितना छह इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, एक लोन पर, दो लोन पर और तीन लोन पर होगा बच्चों, हाँ है ना, होगा. यस सर. अब देखो, अब क्या होगा बच्चों, सिंपल से, अब क्या होगा, ये क्या गया, ये लोन पर यहाँ पे आ गया, क्या होगा बच्चों, ये लोन पर आपका यहाँ पे अटैक हुआ, तो उससे क्या होगा बच्चों, क्या होगा, इससे ये हुआ, ये ऐसा बनेगा बच्चों, ये आपका ऐसा बनेगा डबल बॉन्ड सी एल, एक दो तीन चार यहाँ पे पॉजिटिव होगा, हाँ या ना, पहले सिंगल था, क्या बने आपका डबल बन गया, डबल बन गया. अब देखो क्या होगा, यहाँ पे जो कह रहे बच्चों, यहाँ पे ये ऐसा बॉन्ड भी होगा, तो क्या होगा बच्चों, कैसा आएगा, यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज बनेगा, राइट. अब क्या बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल, तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा देखो, क्या होगा बच्चों, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैक होगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो कैसा बनेगा बच्चों, ये ऐसा बन जाएगा, दैट इज बेंजीन बनाया मैंने यहाँ पर, यहाँ पे डबल बॉन्ड सी एल
एक दो तीन चार, यहाँ पॉजिटिव, अभी को डबल किया, ये डबल किया, नीचे आ गया तो क्या हुआ, यहाँ पे डबल बन गया और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज बन गया, और यहाँ पे और एक पार्ट। इतना पार्ट सब समझ में आया बच्चों? हाँ या ना? आया? यस सर, यस सर, यस सर। अब क्या हो बच्चों, अब क्या होगा, ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या होगा बच्चों, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो क्या ऐसा बनेगा बच्चों, देखो ऐसा बनेगा, ये आपका ऐसा बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे गया और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आया बच्चों। अब देखो अब क्या हो बच्चों, कैसे होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा और ये आपका वापस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये आपका अगेन ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा बन। अब वैसे हुआ क्या बच्चों, देखो पहले डबल का था, पहले डबल बॉन्ड आपका राइट साइड में था, आप कहाँ पे बच्चों, अभी आपका लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड लेफ्ट में। देखो इसे यस समझ में क्या सर। आता है, इसे समझ में क्या आ रहा है, इसे समझ में ही आ रहा है, अगर आपका बेंजीन है और ऊपर आपका ऐसे कोई ग्रुप लगा हुआ है जिससे क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन वो आपका रिंग के अंदर में आ जा रहा है, तो क्या होगा बच्चों, आपका जो नेगेटिव चार्ज कहाँ पाएगा, आपका जो न्यूट्रॉन कहाँ पाएगा बच्चों, या तो वो ऑर्थो पाएगा या तो वो क्या पाएगा बच्चों, पैरा पाएगा, और जो आपका इलेक्ट्रोफाइल, जो आपका क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रोफाइल पटेगा बच्चों, या तो वो कहाँ पटेगा, या तो वो ऑर्थो पटेगा या तो पैरा पटेगा, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना पर सब सब कुछ समझ में आ गया बच्चों? आया ना? यस सर, अब देखो अब यहाँ पे इस चैप्टर में आपका इलेक्ट्रोफिल, जो आपका इलेक्ट्रोफिल क्या होता, क्या होता है बच्चों, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, एक आपका बी आर पॉजिटिव होगा आपका इलेक्ट्रोफाइल, एक होगा सी एल पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रोफाइल, एक होगा आपका एनओ टू पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रोफाइल, एक होगा आपका एसओ थ्री एच होगा आपका, ये होगा आपका इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है बच्चों, ये सारे ग्रुप होगा जो हम क्या करेंगे आपका कल पढ़ेंगे, आप मैं वो कल बताऊंगा कि ये आपका डिफरेंट टाइप से इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल से बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या बच्चों, ऐसे ग्रुप जहाँ इस पे क्या होगा आपका पॉजिटिव चार्ज होगा और उससे क्या चाहिए, उसको आपका, उसको आपको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बच्चों। इतना पर समझ में, सबको समझ में आ गया बच्चों? है ना? यस सर, यस सर, ओके। अब देखो और एक बार मैं बता, देखो क्या बच्चों, अगर आपका क्या, अगर आप क्या, क्या अगर आपका बेंजीन क्या होगा आपका सीएस2, क्या बोलते हैं बच्चों उसे, हम बोलते हैं आपको टोल, क्या बोलते हैं, टोलिन बोलते हैं, टोलिन बोलते हैं, इसका नाम क्या बच्चों, इसका नाम आपका टोलिन, इसका नाम है। इतना बार सारे सारे समझ गए? हाँ या ना? डन। यस सर। अब देखो अब यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे एक दूसरा नेम रिएक्शन है, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका दूसरा नेम कौन सा रिएक्शन बच्चों, सैंड, क्या आपका नाम है, सैंड में रिएक्शन। अब देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट बच्चों, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तुम बोलूंगा ये जो आपका रिएजेंट है, ये जो आपका रिएजेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपका ये वाला पार्ट आपका आईएमपी पार्ट है, ये आपका आईएमपी पार्ट है और ये आपका आईएमपी पार्ट है, मतलब क्या, जो आपके एरो के ऊपर जो वाला पार्ट है, आपका जो एरो है उस पर जो पार्ट है बच्चों वो कैसा है, वो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो ये बनता कैसे मैं आपको बताता हूँ, अब सपोज करो देखो, और एक बात देखो, अगर क्या बच्चों, अगर आपके आपका अगर आपका बेंजीन है क्या बच्चों, अगर आपका ना ना, नहीं नहीं बुक पे हेल्प मत करो, बुक पर टिक कर दो बच्चों कि ये आपका आईएमपी पार्ट है बस, और कुछ ठीक है। अब देखो बेंजीन है क्या होता है बच्चों, अगर आपका बेंजीन के ऊपर क्या आपका एनएच2 ग्रुप, क्या बोलेंगे बच्चों उसे, क्या कहेंगे उसे, हम कहेंगे एलिन, क्या कहेंगे उसको, हम उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, हम उसको एनिलिन कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, हम एनिलिन कहेंगे। अब देखो अब होता क्या बच्चों, देखो हमने क्या लिया, हमने लिया एनिलिन, मतलब क्या आपका बेंजीन ऊपर क्या आपका एनएच टू ग्रुप, कौन सा ग्रुप आपका, एनएच टू ग्रुप है बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या करें बच्चों, हम यहाँ पे बनाएंगे आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्या बनेगा बच्चों आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, वो कैसे बनेगा बच्चों, अब देखो उसके लिए आपको कुछ रिएजेंट लेना पड़ेगा, कौन सा लेना पड़ेगा बच्चों, एक लेना पड़ेगा आपका एन ए एनओ टू सोडियम नाइट्रेट लेना पड़ेगा, प्लस क्या लोगे बच्चों, और क्या लोगे, और लोगे आपका एच सी एल लोगे, क्या लोगे बच्चों आपका वो एसिड लोगे, एन एन टू लोगे और आपका एसिड लोगे, और दूसरा क्या लोगे बच्चों आपको, क्या क्या करना पड़ेगा आपको, उसको 0 से लेके 5 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना, मैं आपको आपको आइस कंडीशन से मेंटेन करना पड़ेगा, तब क्या होने, क्या बनेगा बच्चों, तब आपका क्या होगा, आपका प्रिंसिपल क्या बच्चों, क्या आएगा आपका जो बेंजीन, उस पर क्या आएगा बच्चों, उस पर क्या आएगा आपका, वहां पे आपका एन टू पॉजिटिव आएगा और आपका सी एल नेगेटिव आएगा बच्चों, क्या है बच्चों, बोलो बच्चों क्या आएगा, आपका एन टू पॉजिटिव आएगा और आपका सी एल नेगेटिव आएगा बच्चों। नेगेटिव भाई, अब देखो इसका इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आपका बेंजीन
बेंजीन डाई एजोनिम क्या होगा बच्चों, होगा बच्चों डाई, डाई क्यों डाला बच्चों, बिकॉज यहाँ पे कितना नाइट्रोजन बच्चों, यहाँ पे आपका दो नाइट्रोजन, क्या आपका होगा बेंजीन डाई एजोनियम, एजो क्यों आया बच्चों, बिकॉज आपका नाइट्रोजन ऐड है बच्चों, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये क्या बच्चों इसका नाम है, ये क्या बच्चों इसका नाम है। अब क्या बच्चों जैसा आपका ये बन गया, अब क्या हो बच्चों अगर मान के चलो आपको ऐड करना है ये वाला पार्ट, क्या ऐड करना है बच्चों आपको, अगर आपको ये बन गया टेस्ट CO2, अगर मान के आपने लिया CO2 Br2 लिखा बच्चों, तो आपका आंसर क्या है बच्चों, आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर ये आएगा दैट इज बेंजो पे क्या है बच्चों, बेंजो पे आएगा आपका Br, क्या आएगा बच्चों Br आएगा। मान के आपने क्या लिया, आपका दूसरा कुछ ले लिया, जैसे मान के ये ले लिया आपने दैट इज CO2 Cl2 ले लिया बच्चों, तब क्या बनेगा बच्चों, क्या बनेगा तब आपका बन जाएगा, कौन सा बनेगा बच्चों, तब आपका बनेगा आपका क्लोरोबेंजीन, क्या बनेगा आपका क्लोरो बेंजीन बने बच्चों। अगर मान के चलो आपने क्या लिया बच्चों, अगर आपने मान के चलो ये लिया दैट इज पोटेशियम एडेड, क्या लिया बच्चों आपने पोटेशियम एडेड इसके बच्चों, तब क्या बनेगा बच्चों, तब क्या बनेगा, तब आपका बनेगा आपका ये वाला पार्ट बेंजीन, उसके ऊपर क्या बनेगा आपका एडेन पार्ट। तो इतना पार्ट समझ गए बच्चों, इसका नाम क्या बच्चों, इसका नाम आपका क्या नाम है, इसका नाम आपका सैंड में रिएक्शन बच्चों, और किससे बनता है बच्चों, ये आपका टाइजोनियम सॉल्ट प्रोडक्शन बनता है। इतना पढ़ सारे बच्चे समझ गए, सारे बच्चे हाँ या ना, यस सर। अब देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, मान के चलो आपको एग्जाम ऐसे कुछ, मान के चलो आपको एग्जाम ऐसे कुछ बोल दें, क्या बोल देंगे बच्चों, आपको ऐसे बोल देंगे, आपको ऐसे बोलेंगे आप बनाओ नाइट्रोबेंजीन से, क्या बना बच्चों नाइट्रोबेंजीन से, क्या बना बच्चों ये बनाओ क्लोरोबेंजीन बनाओ, क्या बना बच्चों नाइट्रोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाओ बच्चों, तो क्या क्या करोगे बच्चों, देखो हमेशा ध्यान बच्चों, देखो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे नाइट्रो है मतलब NO2 ग्रुप है, देखो हमको नाइट्रो से क्या करना, क्या चेंज करना पड़ेगा, करना पड़ेगा बच्चों हमको चेंज करना पड़ेगा ये अल्फा, दैट इज हमको ये करना पड़ेगा दैट इज NH2 ऐड करना पड़ेगा, और ये कैसे ऐड करेंगे बच्चों, ये हम कैसे ऐड करेंगे, ये हम ऐड करेंगे किसे ऐसे दैट इज आयरन लोगे या तो टिन लोगे, और क्या करना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा रिडक्शन, तो रिडक्शन मतलब क्या होता है बच्चों, रिडक्शन मतलब क्या होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन मतलब क्या होता है बच्चों, रिडक्शन ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तुमने क्या किया बच्चों यहाँ पे आपका NO2 से क्या किया, मैंने क्या किया आपका NO2 से NH2 बना दिया, आप क्या करोगे बच्चों मुझे ये बनाना, तो कैसे करेंगे बच्चों, क्या डालेंगे आपका NaNO2 डालेंगे प्लस आपका HCl डालेंगे और आपका 0 से 5 बनेंगे, तो क्या होगा, क्या बनेगा बच्चों, क्या बनेगा आपका, बनेगा आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा बच्चों, मतलब क्या ऐसा बनेगा दैट इज ऐसा बन जाएगा, ऐसा बनेगा बेंजीन ओके N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, फिर क्या बनेगा बच्चों, आपको बनाना है आपको Cl ऐड कर दो, क्या क्या करो बच्चों ये ऐड करो दैट इज CO2 Cl2 ऐड करो, तो क्या 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 बनेगा बच्चों, तब आपका ये आंसर बन जाएगा, इसका नाम क्या बच्चों, इसका नाम आपका क्लोरोबेंजीन है, और एक कैसे बने इसका ना, इसका नेम नेशन क्या बच्चों सैंड मेयर रिएक्शन का नाम। इतना पार्ट सारे बच्चे समझ गए कि हमने कैसे किया वाला पार्ट, सारे बच्चे प्रॉपरली ये पार्ट देखो, तो यहाँ पे किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं, देखो अगेन बोल रहा हूँ आपको डायजोन से कैसे बने बच्चों, मार्क्स आपका यहाँ पे Br लिखा है, तो क्या है बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका Br माइनस हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड, समझे मेरे प्यारे बच्चों हाँ या ना, यस सर, यस सर, सिर्फ दो लोग को समझ में आया मुझे ऐसा लग रहा है, इतना पढ़ा है मैंने तो क्या दो लोग को समझ में आया 50 में से, बाकी बच्चों लोग मनीषा समझ में आ गया, टीना को समझ में आया बच्चा, हिमांशु को समझ में आया, यस सर, तो एटलीस्ट कुछ रिएक्शन दो बच्चा, मैं आपको देखो सर रिएक्शन की बुक है, अगर आप कुछ बोलोगे नहीं तो सर क्या लगेगा, सर को ऐसा लगेगा कि आप खाली ऊपर ऊपर जा रहा है, तो प्लीज आप प्रॉपरली बोलो बच्चों, कुछ ना कुछ रिएक्शन दिया करो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम yes, बंद पड़ गया। अब देखो पहले क्या पहले आप पोल बनाते थे, आपको समझ में आया कि नहीं आया कि, अभी हम वो कर ही नहीं रहे है ना, तो एटलीस्ट आप चैट बॉक्स यूज करो, जैसे अपने लब्बे ने यूज किया, ठीक है चैट बॉक्स यूज किया, तो आप चैट बॉक्स यूज करो ठीक है ना, लेकिन आप कुछ बोलो कि सर ये मुझे ये समझ में नहीं आता, सर आप मुझे वापस समझाओ,
आप प्लीज बोलोगे, अगर आप बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा मुझे, ठीक है सारे बच्चे? यस सर, यस सर, ओके बहुत बढ़िया। अब देखो अभी हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले हैं इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, अभी हम पढ़ने वाले इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले। तो कौन पढ़ेगा, हैंड रेज करो बच्चों, कौन पढ़ने वाला हैंड रेज करो। सिर्फ हैरी पढ़ेंगे और कोई पढ़ने वाला? सिर्फ हैरी पढ़ेंगे, ओके हैरी पढ़ो जरा, पहला पॉइंट पढ़ो जरा। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कलरलेस, ब्रोमो एंड आयोडो एल्केन्स आर कलर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सेकंड, हेलो एल्केन्स हैविंग वन और ओके 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 ओके, हां ठीक है ठीक है ठीक है। पहला पॉइंट क्या बच्चों, पहला पॉइंट क्या है बच्चों, जो आपका प्योर हेलो एल्केन्स कैसा होता है बच्चों, ये होता है आपका कलरलेस। लेकिन आपका ब्रोमो ऐड का क्या होगा, कलर क्या होगा बच्चों, जब वो आपका क्या होगा, वो आपका लाइट के प्रेजेंस में आएगा, ठीक है बच्चों, ओके। हां सेकंड पॉइंट पढ़ो बच्चों, सेकंड पढ़ो बच्चों क्या लिखा है। हरी, हेलो एल्केन्स हैविंग 1 2 और 3 कार्बन एटम्स आर इन द गैसीय स्टेट एट नॉर्मल टेंपरेचर, हेलो एल्केन्स हैविंग मोर देन 3 कार्बन एटम्स आर लिक्विड और सॉलिड। ओके ये क्या बच्चों, ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब देखो एग्जाम है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज से पूछते नहीं है, ठीक है। क्या बोला गया बच्चों यहाँ पे, ये बोला गया दैट इज जो आपका पहला कार्बन होगा, दूसरा कार्बन होगा, उसमें क्या होगा, क्या होगा बच्चों, ये आपका होगा गैस फॉर्म में। बाकी अगर चार कार्बन है, पांच कार्बन है, छह कार्बन, किस होगा बच्चों, या तो सॉलिड में होगा या तो लिक्विड में, लिक्विड। ओके हाँ ओके। अब ये जो आपका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बच्चों, क्या बच्चों, ये आपका इम्पोर्टेंट वाला, ये आपका आईएमपी है, इसको जरा पढ़ेंगे। हाँ हिमांशु पढ़, हिमांशु पढ़ो जरा बच्चा, फिर हम लब्बे पढ़ेंगे। हेलो एल्कीन, हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट देन द पेरेंट एल्कीन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन बिकॉज़ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डाइपोल टू डाइपोल इंटरैक्शन एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर इन हेलो एल्कीन्स। ओके अब देखो, अब यहां पे देखो दो बड़ा है, कौन सा बड़ा है बच्चों, एक आपका हेलो एल्कीन है, एक आपका पेरेंट एल्कीन है। अब देखो मान के चलो मैंने ये लिया CH3 CH2 CH3, दूसरा मैं क्या लिया बच्चों CH3 CH2 CH2 Cl। अब देखो क्या मैं इससे ये बना सकता हूँ, हाँ या ना बच्चों, क्या मैं इससे ये बना सकता हूँ, मुझे बताओ। यस सर, हाँ या ना बच्चों, यस सर, बना सकते हैं। तो मुझे क्या क्या यूज करना पड़े, क्या यूज करना पड़े, क्या बोलूँ मैं, आप बोलो क्लोरीन डाइक्लोरीन यूज करो और आपका अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज करो बच्चों, है ना, और हीट करो तब तो ये बन जाएगा। देखो अब यहाँ पे ये देखो यहाँ पे कितने कार्बन बच्चों, यहाँ पे आपका 3 कार्बन है और यहाँ पे क्या बच्चों, आपके यहाँ पे आपका 3 कार्बन। तो अगर आपको एग्जाम पूछा जाएगा इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ये मल्टी पॉइंट ज्यादा, क्या आप क्या बोलोगे बच्चों, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे क्या होगा बच्चों, इससे क्या होगा इसका ज्यादा, किसका होगा आपका, जो आपका क्लोरोप्रोपेन क्या होगा इसका ज्यादा मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट आएगा। इतना बात समझ गए बच्चों, आया ना? यस सर, यस सर, ओके बहुत बढ़िया। अब योगेश एंड मनीष, क्लास खत्म होने में अभी 10 मिनट बचा है, अभी आप इस क्लास में ज्वाइन करने आए तो आपको समझ में आएगा अभी तक जितना पढ़ाई किया है। तो क्लास को लेट ज्वाइन करने मतलब क्या हुआ मनीष एंड योगेश एंड बाकी जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, ये अगेन बोलो देखो, ये आपका लास्ट एंड फाइनल वार्निंग है, कल से मैं नहीं सोऊंगा, अगर ज्वाइन करना है तो स्टार्टिंग के 5-10 मिनट ज्वाइन कर लो, उसके बाद मैं ज्वाइन करने ही वाला, सारे बच्चे बोल रहा हूँ। हाँ अगर किसी बच्चे को एक्सक्यूज आ रहा है, मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मुझे बताओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लास के 10 मिनट खत्म हो वो बच्चे, ये तो हम लास्ट फेज में आ गए। देखो हम मुश्किल से 4-5 पेज पढ़ रहे हैं, क्यों, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार वही बता रहा हूँ, मार्कनिंग रूल क्या होता है, नेम रेशन क्या होता है, रीजन क्या होता है। तो अभी तक हमने कितना पेज पढ़ा, 3 ही पेज पढ़ा ना, तो सब एटलीस्ट प्रॉपर टाइम पे तो आओ पढ़ने के लिए। हाँ हाँ हिमांशु पढ़ी जरा आगे पढ़िए, ये पढ़ पढ़े बच्चा।
सेकंड पर द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू द हैलोजन्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर. ओके, अब फॉलोइंग ऑर्डर क्या है बच्चों, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट ऐसा है, ये वाला पार्ट. अब ये क्या बच्चों देखो, क्या आपका एक आपका CH3I है, एक आपका CH3Br है, एक आपका CHCl, एक आपका CH3F. अगर ये पूछूं कि इनमें से किसका बॉन्ड पर क्या ज्यादा है, आप क्या बोलोगे, इसका ज्यादा आएगा बच्चों. अब देखो एक ट्रिक ये भी है बच्चों, देखो आप क्या बोलोगे, आप क्या करना, आप ये देखना किसका ज्यादा एटॉमिक मास है. तो जिसका भी ज्यादा एटॉमिक मास हो क्या होगा बच्चों, उसका मेल्टिंग और बर्न पर क्या होगा आपका सबसे ज्यादा है. ठीक है बच्चों, ये इसका शॉर्टकट ट्रिक है, समझिए बच्चों सारे बच्चे. यस सर. मुझे बता दो CH3F है, एक आपका CH3Br है. अब मुझे बताओ इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, आप क्या बोलो बच्चों, ये पार्ट Br. क्या बच्चों, Br आपका एटॉमिक मेट, इसका एटॉमिक मेट ज्यादा है, तो कंपाउंड क्या होगा, इसका भी एटॉमिक ज्यादा ज्यादा होगा, तो क्या होगा इसका आपका ज्यादा मेल्टिंग है, बॉइलिंग पॉइंट. आगे पढ़ो बच्चा हिमांशी. The boiling points of chloro, bromo and iodo alkanes increases with the increase the, in the number of halogen atoms. अब देखो बच्चों, अब देखो ये जो एग्जांपल है, यहाँ देखो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है और यहाँ पे भी एक कार्बन है. फर्क क्या हो रहा है बच्चों, आपका यहाँ पे हेलोजन इंक्रीज होते जा रहा है. तो इससे क्या होगा, देखो जैसे आपका हेलोजन इंक्रीज, क्या 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 होगा बच्चों, आपका मास बढ़ेगा. तो जैसे आपका मास बढ़ क्या होगा बच्चों, आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा. ये पार्ट सबको समझ आया बच्चों, सिंपल इजी. यस सर. यस सर. ये पार्ट The boiling point and melting point of mono haloalkene increases with the increases in the number of carbon atoms. हाँ, अब देखो इसके अंदर क्या देखो, ये पार्ट यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक कार्बन है और एक एक हेलोजन, यहाँ पे आपका दो कार्बन है और एक हेलोजन, और आपका तीन कार्बन है और आपका एक हेलोजन. तो क्या बच्चों देखो, सिंपल से आते जैसे आपका कार्बन चेन बढ़ता जाएगा और आपका एक ही हेलोजन होगा, यहाँ पे आपका मोन क्या बच्चा आपका यहाँ पे मोन, तो क्या बच्चों होगा जिसका ज्यादा लंबा चेन आएगा, क्या बच्चों उसका ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा बच्चों. इतना बड़ा सबको समझ में आया बच्चों, आया ना? यस सर. ओके, अब देखो ये जो आपका फिफ्थ वाला पॉइंट बच्चों, ये कैसा बच्चों, ये आपका IMP पॉइंट है, ये आपका IMP वाला पार्ट है, ये आपका IMP वाला पार्ट है. ठीक है, उसको जरा पढ़ो बच्चा, उसको जरा पढ़िए जरा. हाँ पढ़िए, प्रति आप पढ़िए. Among isomeric alkyl halides, the boiling point decreases with the increase in branching in alkyl group. With increasing in branching, the molecule attains spherical shape with less surface area as a result. In inner molecular surface become weak, resulting in lower boiling points. Okay. अब देखो, अब यहाँ पे क्या बोला बच्चों, अब यहाँ पे क्या बोला बच्चों, यहाँ क्या लिखा बोला है, अगर बात करें आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में. अब देखो फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, हम मोस्टली क्या होता है, हम फ्रीजिंग पॉइंट के बारे हम बात नहीं करते, क्यों, हम उसे फ्रीज नहीं करते. ठीक है हरी, अब जब क्वेश्चन आएगा तो हम उसके बाद देखेंगे डिस्कशन. अब होगा क्या बताओ, मान के चलो अब ये एग्जाम्पल दो, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका चार कार्बन है और आपका एक हैलोजन, यहाँ पे भी आपका चार कार्बन है और एक हेलोजन है, सब में चार कार्बन एक हेलोजन, लेकिन होता क्या, आप क्या बोल, आप क्या बोलोगे, जैसे क्या होगा, जैसे आपका ब्रांचिंग बढ़ेगा इससे क्या होगा बच्चों, आपका जो मतलब आपका वो आपका स्फेरिकल शेप आएगा, और क्या होगा आपका जो उसका सरफेस एरिया कैसा होगा, वो आपका लेस हो जाएगा, जो उसका सरफेस एरिया कैसा होगा वो लेस हो जाएगा. इससे क्या होगा, इससे ये होगा उसका जो इंटर मॉलिक्यूल कैसा होगा, वीक हो जाएगा. आप ये बोल सकते हो, और आपका सबका एटोमिक सेम है, क्या बच्चों, अगर आपका सेम मॉलिकुलर मास है तो क्या बच्चों होगा, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो जितना ब्रांचिंग वाला पार्ट होगा क्या होगा उसका, उसका लेस बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो जितना लॉन्ग चेन होगा बच्चों उससे क्या होगा, उसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आएगा.
सच बच्चा, ये आपका आईएमपी वाला पार्ट। डन बच्चों, ये पार्ट सब समझ में एक बार देखो। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, ये पार्ट ये मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, आगे बढ़। हाँ सुजल, पढ़ो जरा इसको। सुजल, सुजल पढ़ो जरा इसको। सर, सॉल्युबिलिटी एट एंड। हाँ सॉल, हाँ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी पढ़ो जरा बच्चा, पढ़ो। हेलो अगेन। ओके, इनका वॉइस है ना बहुत ब्रेक हो रहा है, नहीं आ रहा। सुजल आपकी वॉइस भरी बहुत ब्रेक हो रही है, कोई बात नहीं, आप बाद में पढ़ो। हाँ प्रतिभा, आप पढ़ने की प्रतिभा, आप पढ़ना चालू करो बच्चा। हेलो किंग्स। आर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज़ दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, अब मुझे बताओ कि पोलर और नॉन पोलर में क्या डिफरेंस है। पोलर और नॉन पोलर में क्या डिफरेंस है मुझे बताओ। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे। पोलर में पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं, नॉन पोलर में नहीं होते। एकदम से बोलो। अब देखो, और अब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट। एकदम से बोलो बच्चों, होता क्या बच्चों, यहाँ पे देखो, जब आप जब किसी बात कर जब हम बात करते हैं पोलर मोल की बात करें, तो पोलर में क्या 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 है बच्चों, आप क्या बोलोगे उसमें क्या आएगा। उसमें आपका चार्ज सप्रेशन आएगा, क्या आएगा आपका चार्ज सप्रेशन आ जाएगा। अब जिसे बात करते हैं, जिसमें बात करते हैं आपका कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा बच्चों, यहाँ पे आपका डेल्टा नेगेटिव आएगा, यहाँ पे आपका डेल्टा पॉजिटिव आएगा। हाँ ना बच्चों, तो यहाँ क्या बन गया, ये आपके बन गया पोलर, ये आपका पोलर बन गया। अगर मैं बात करता हूँ नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो क्या उसका एग्जांपल क्या बच्चों, ये पार्ट ऐसा है CH3 CH2 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 CH3। ठीक है बच्चों, ये आपका एग्जेन है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे खाली आपका यहाँ पे आपका सिर्फ कार्बन कार्बन चेंज। तो अगर आपका कार्बन कार्बन चेंज आ रहा है तो आप क्या होगा बच्चों, कोई भी चार्ज डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ है ना बच्चों, हाँ है ना। Yes, तो कोई भी यहाँ पे आपका चार्ज डिफरेंस नहीं, तो क्या बच्चों इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे आपका नॉन पोलर सॉल्यूट, इसे क्या कहेंगे आपका नॉन पोलर सॉल्यूट कहेंगे। ठीक है ना। अब देखो होता क्या बच्चों, जो आपका हेलो देते हैं आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबल है आपका, ये आपका वाटर में आपका इनसॉल्युबल है, मतलब कि जो वाटर है आप बच्चों, ये भी कैसा है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर भी आपका पोलर मॉलिक्यूल है बच्चों। देखिए बच्चों, लेकिन इसमें आपका सॉल्युबल नहीं है बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इतना पर सबको समझ गए बच्चों, है ना। यस सर। यस सर। हाँ डेंसिटी वाला पार्ट पढ़ो बच्चा प्रतिभा। हाँ क्या लिखा बच्चों, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड अल्काइल हैलाइड आर हायर देन द हाइड्रोकार्बन विद द कंपेरेबल मॉलिक्यूल्स। अगर मान के चलिए इसकी बात करते हैं, दैट इज CH3 CH2 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 Cl, और मान के चलिए इससे क्या होगा, इससे कोई हाइड्रोकार्बन आ गया, जैसे ये आ गया बच्चों CL CH3 CH2 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 CH3 आ गया। तो क्या बच्चों आप क्या बोलोगे, किसका ज्यादा डेंसिटी हो बच्चों, इसका होगा बच्चों। अब सिंपल से बताओ डेंसिटी फॉर्म में क्या होता है बच्चों, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका डेंसिटी भी ज्यादा आएगा। तो अब ये फंडे से आप आराम से क्वेश्चन कर सकते, ठीक है ना। अब देखो, अभी हमने जितना भी यहाँ पर इतना बार पढ़ा है, क्या इसमें कुछ से कुछ भी डाउट है, एक बार देख लो बच्चों, एक बार देख लो फिर हम क्वेश्चन करेंगे। अपने हमने ये पार्ट पढ़ाई किया, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, हमने उसके बारे में पढ़ाई किया बच्चों, ठीक है ना। और मैंने क्या बोला बच्चों, मैंने क्या बोला आपका, जब हम ऐसे कुछ ऐड करते हैं जिसमें क्या होता है आपका क्या रहा है, वो आपका इलेक्ट्रॉन क्या आपका रिंग में डाल रहे, तो क्या आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे ऑर्थो और पैरा भी आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, और क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल आपका ऑर्थो और पैरा पाएगा, और क्या होगा बच्चों पैरा वाला आपका सबसे ज्यादा स्टेबल बनेंगे। डन। यस सर। यस सर। फाइन। फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों, फिर हमने आपका सैंड में रिएक्शन पढ़ा बच्चों। तो सैंड में रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, आप क्या बोलोगे, हम नीली लेते हैं और यहाँ पे हम सोडियम नाइट्रेट लेते हैं,
और आपका एक एसिड लेते हैं और क्या करते हैं, टेम्परेचर को 0 से 5 डिग्री मेंटेन करते हैं। क्या बताया बच्चों, हमारे वहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा या तो ब्रोमाइड बनेगा बच्चों। फिर क्या बच्चों करते हैं, फिर हम रिएजेंट डालते हैं बच्चों। कौन सा रिएजेंट डालेंगे बच्चों, या तो हम CO2 Br2 डालेंगे, या तो CO2 Cl2 डालेंगे, या तो क्या डालेंगे बच्चों, क्या डालेंगे, या तो हम क्या डालेंगे आपका पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे डालेंगे बच्चों। इससे क्या होगा बच्चों, अगर हम Br डालते तो क्या ब्रोमीन ऐड होगा, Cl तो Cl ऐड होगा, और I तो आपका आयोडीन ऐड होगा बच्चों। हाँ, 0 से 5 कैसे आया यहाँ ये पार्ट, ये क्या बच्चों ये पार्ट 0 से 5 273 मतलब क्या होगा, ये आपका 0 हो गया। अब 5 मतलब क्या होगा बच्चों, अब 5 ऐड कर दो बच्चों क्या हो जाएगा, 5 डिग्री आ गया, ये केल्विन में है आपका, डिग्री में है बच्चों का। सिंपल, समझ गए सारे बच्चे। और ये हम ऐसे क्यों करते हैं, बिकॉज अगर हम क्या करते हैं, अगर हम 0 से 5 डिग्री नहीं डालेंगे बच्चों तो हमारा डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल नहीं होगा बच्चों। ये स्टेबल कब होगा बच्चों, जब आपका देखो 0 से 5 में क्या होगा बच्चों, ये क्या होता है, ये आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट आपका स्टेबल होता है, अदरवाइज स्टेबल नहीं होता बच्चों। इतना पार्ट सारे समझ गए, डन? यस सर, यस सर। फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों, फिर हमने आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाई किया, और हमने बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ाई किया बच्चों, ठीक है, ये पार्ट हमने पढ़ाई किया। अब देखो, अब हम अभी बारी आती है कुछ क्वेश्चन के बारे में बच्चों, कुछ क्वेश्चन के बारी आती है। क्या सभी कुछ सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं सारे बच्चे लोग, हाँ या ना? यस सर। अब मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन करेंगे और मुझे बताएंगे यहाँ पे कौन सा नेम रिएक्शन है, मुझे इसका प्रोडक्ट का नाम बताओ, और मुझे यहाँ पे इसका प्रोडक्ट का नाम बताओ। सारे बच्चे करेंगे और मुझे इसका नाम बताएं, कम ऑन। पहला वाला पार्ट, ये कौन सा नेम रिएक्शन है और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या है। बाकी बच्चे ट्राई कीजिए, कम ऑन। तुजल, हिमांशी, अरमान, वंश, प्रतिभा, कम ऑन ट्राई कीजिए। कम ऑन मेरे प्यारे बच्चों, कम ऑन। सर हैरी का हैंड रेज है। हाँ तो आप बोलो, हैरी तो हैंड रेज किए हैं, लेकिन हो गया, आप भी तो ट्राई करो, आपका आपने तो पढ़ाई किया ना, होने वाला है, मेरे को लगा आपने देखा नहीं, सॉरी। हाँ तो बच्चों ये कौन सा एनिमेशन बच्चों, कौन सा एनिमेशन है ये आपका, कौन सा एनिमेशन बच्चों, फ्रैंकलिस्टन एनिमेशन है। क्या क्या बच्चों, ये आपका फ्रैंकलिस्टन एनिमेशन। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका हैलोजन एक्सचेंज होता है, यहाँ पे आपका हैलोजन एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे एस्ट्रोन भी है, ये वाला पार्ट क्या बनेगा बच्चों, ये कैसे बनेगा, दैट इज CH3 CH2 CH2 बनेगा, आयोडीन बनेगा। अब मुझे इसका नाम बताएं, इसका नाम बताएंगे अरमान, अरमान शर्मा इसका नाम बताएंगे, इसका नाम क्या बच्चों, अरमान इसका नाम क्या है बच्चे, इसका नाम क्या है, ओके तो इसका नाम क्या बच्चों, आप क्या बोलोगे, इसका नाम है आपका आयोडोप्रोपेन, इसका नाम आयोडोप्रोपेन इसका नाम है। अब देखो ये आपका दूसरा क्वेश्चन बच्चा, दूसरा क्वेश्चन क्या बच्चों, CH3 CH2 CH2OH और आपका SOCl2। अब देखो इसका नाम क्या, ये कौन सा नेम रिएक्शन बच्चों, कौन सा नेम रिएक्शन है, ये आपका डार्सन रिएक्शन है, ये आपका डार्सन रिएक्शन। तो क्या बनेगा इसका आंसर क्या है बच्चों, क्या करोगे, ये क्या होगा आपका अल्कोहल से क्या होगा, आपका होगा अल्काइल हैलाइड फॉर्म करेगा बच्चों। क्या बनेगा बच्चों बताओ जरा सारे बच्चे, बाकी बच्चों को आंसर नहीं देना है, बाकी बच्चों आंसर नहीं देना है क्या, मनीषा, मीनाक्षी, मोहित, नेहा, निशु, नीति, अरे काफी सिंपल है ये तो, कब से बता रहा हूँ, कमाल कमाल। CH3 CH2 CH2 Cl बनेगा, और क्या होगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और आपका HCl गैस, ये आपका
डार्जनेज यल्पा। अब ये क्या बच्चों, देखो आप अभी मैं आपको चीज बता रहा हूँ, ध्यान समझना। अगर आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और रिएक्शन क्या दिया आपका, दिया आपका एच बी आर दिया, या आपका कोई भी एसिड दिया बच्चों, क्या होगा बच्चों यहाँ पे आपका मार्कोनिकोर लगेगा। मार्कोर। और क्या हो, क्या होगा बच्चों अगर आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और क्या क्या दिखा आपको, आपको को एसिड दिखा दिया और क्या दिखा दिया आपको, नीचे दिखा आपको दिखा दिया परऑक्साइड, या तो आपको H2O2 दिखा दिया, वहां पे क्या लगे बच्चों, यहाँ पे लगे आपका एंटी मार्क, यहाँ पर आपका लग गया एंटी मार्कोनिकोर। अब देखो मार्कोनिकोर क्या कहता है बच्चों, मैं क्या बोलता आप ये बोलता, द कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन नहीं, क्या आपका हाइड्रोजन नहीं तो क्या क्या लगेगा बच्चों, वो क्या होगा, वो आपका बनेगा मेजर प्रोटोन, मेजर प्रोटोन मतलब क्या होगा बच्चों आपका जो न्यूक्लियस, यहाँ पे देखो क्या बने आप, देखो ये आपका एच प्लस होगा और ये बी एन माइनस है, ये एच प्लस बी एन, क्या होगा बच्चों कहाँ पे आएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा। अब देखो जिसमें इसके, जिसमें इसका बता रहा हूँ ये कैसे बच्चा सर पार्ट है, दैट इज सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी, और क्या होगा दो मिथाइल ग्रुप है, सब इसे लिखा बच्चों एक आपका सी एस थ्री है और यहाँ पे आपका सी एस थ्री। अब देखो कहाँ पे डबल बॉन्ड बच्चों, आप क्या बोलोगे यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड और क्या दिया बच्चों रिएक्शन में, दिया पे एच बी आर दे गया, आपको खाली ये डिसाइड करना है कि बी आर कहाँ पे लगेगा और सिंगल बॉन्ड बन जाएगा बच्चों, तो क्या लगेगा बच्चे देखो, या तो एक हाइड्रोजन चाहिए या तो हाइड्रोजन सबसे लेस होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। अब देखो अब ये कार्बन है क्या बच्चों, इसमें आपको एक भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन चाहिए, तो बॉन्ड कहाँ ब्रेक होगा बच्चों, बॉन्ड आपका इस साइड ब्रेक होगा, तो कैसे बनेगा बच्चों, ये आप बनेगा आपका नेगेटिव और ये बनेगा आपका पॉजिटिव, क्या बना टर्शियरी कार्बोकैटायन बना और क्या स्टेबल भी है, क्या होगा ये बनेगा आपका पॉजिटिव ये बनेगा नेगेटिव, क्या होगा ये बी आर यहाँ पे आएगा और ये एच यहाँ पे आएगा, तो आपका आंसर क्या है बच्चों, क्या आएगा आपका आंसर आएगा बच्चों, आपका आंसर ये आएगा आपका आंसर यहाँ पे एच आएगा और यहाँ पे आपका सी और यहाँ पे बी आर, तो क्या बच्चों ये इसका आंसर, समझे सारे बच्चे, हाँ या ना? यस सर। अभी अभी आप अभी बच्चे पूछा कि बॉन्ड कैसे ब्रेक, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड, अब देखो मैंने क्या बोला बच्चों, तो क्या बोलता अगर आपका एक कार्बन हो उस पर पॉजिटिव लेके जाओ, या तो कार्बन है तो उस पर पॉजिटिव बना लेके जाओ, मान के चलो देखो अब यहाँ पे क्या बताओ, ये मान के चलो पहला कार्बन और ये मान के चलो दूसरा कार्बन, तो पहले कार्बन क्या बच्चों कोई भी हाइड्रोजन नहीं, तो क्या होगा ये आपका सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा बच्चों, तो क्या होगा बच्चों क्या करेंगे हम, क्या नहीं हम इस बॉन्ड को इस साइड ब्रेक करेंगे, तो क्या होता है बॉन्ड इस ब्रेक क्या बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे आएगा बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, आएगा आया ना। अब देखो यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव बना और यहाँ कैसा बच्चों कैसा है, ये आपका है टर्शियरी कार्बोकैटायन, मतलब कि एक भी हाइड्रोजन तो क्या होगा ये आपका सबसे ज्यादा स्टेबल है बच्चों, तो क्या होगा बेर का पे बी आर आपका यहाँ पे सिंपल, सच पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अभी क्या अभी भी डाउट लग रहा है, सबसे कम एच वाला था। अब देखो अब मांग के चलो ऐसा कुछ है, अगर मैं बॉन्ड ऐसा ब्रेक है तो कैसे बनता, ऐसा बनता ना ये बनता नेगेटिव और ये बनता पॉजिटिव, तो ये कैसा कार्बोकैटायन बच्चों, ये आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन, जो आपका कार्बोकैटायन स्टेबल कौन सा होता है बच्चों, कौन सा स्टेबल होता है टर्शियरी ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी आता है, फिर प्राइमरी आता है। अब देखो और कंपेयर करना किसमें, सेकेंड टर्शियरी किसको टर्शियरी आएगा बच्चों, और अगर आपको कंपेयर करना है सेकेंडरी प्राइमरी, तो क्या होगा आपका प्राइमरी या सेकेंडरी आ जाएगा आपका आंसर, आ जाएगा सच पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, नहीं आया ना, आवाज नहीं आई बच्चा आपकी, ओके ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं देख रहा हूँ इस ग्रुप के बच्चे बहुत कम रिएक्टिव है, क्या फिजिक्स और मैथ्स क्लास में ऐसे होता है बच्चा, मतलब कि कुछ बच्चा बोल ही नहीं रहा, मतलब कि फिजिक्स और मैथ्स में क्या ऐसा होता है कि साथ मतलब कि प्रवीण सर बोलते जा रहे हैं, कपिल सर बोलते जा रहे हैं, ऐसा होता है क्या,
सर। हाँ तो फिर मेरे क्लास में क्या दुश्मनी है, या मैं आप मुझसे ज्यादा ज्यादा प्यार करते हैं, या फिर ऐसा कुछ है आप कि बात मैम के सामने बोलते थे सब, अब बाद में कोई नहीं बोलता। देखो अब पता नहीं भाई, मुझे में ऐसा लगता है मुझ में कुछ अलग ही प्यार नजर आपको ऐसा लग रहा है शायद, ऐसा लग रहा है ना, मतलब कि ना नैन्सी बोल रही है ना प्रतिभा, ना जब कोई बच्चा कुछ बोल रहा है तो ऐसे अगर आप ऐसे चलोगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखो मुझे इतना परसेंट इतना टाइम लग गया, तो ना मैं ये करा पाया, ये क्वेश्चन ना करा पाया मैं, ना मैं ये क्वेश्चन करा पाया, ना ये क्वेश्चन में करा पाया, उससे इसमें लॉस किससे हुआ, लॉस आपका हुआ ना, मैं आपको यहाँ पे एंट्री मार्क बता पा रहा हूँ, क्यों टाइम खत्म हो गया, सिंपल। तो एंटी मार्कुलर क्या किया था बच्चों, आप क्या बोलोगे इसमें क्या आएगा, इसमें ये होगा द कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी द मेजर पार्ट। मेजर अब यहाँ बटे पे देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका मैं ये क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH है डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 है। अब देखो आपको पता कैसे कब चलेगा मार्कर, कब मार्कर क्या होता है, यहाँ पे कैसा, यहाँ पे देखो लिखा है, यहाँ पे आपका HBA लिखा है, और यहाँ पे लिखा आपका परोक्साइड, पर ऑक्सीजन लिखा है, अगर आपको परोक्साइड लिखा दिया बच्चों, या तो आपका H2O2 लिखा बच्चों, तो आपको आपको वहाँ पे एंटी मार्कुलर बनना है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, देखो इस कारण आपका एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपका दो हाइड्रोजन, तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, तो बियर कहाँ पे अटैक होगा बच्चों, बियर वहाँ पे अटैक होगा जिस कारण के पास CH2। ज्यादा आएगा बच्चों। तो क्या आंसर, आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, आपका आंसर ऐसा आएगा, ये आपका आंसर जो है दैट इज CH3 CH2 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 बियर, ये आपका आंसर। तो क्या ये बना आपका नेगेटिव, ये बना पॉजिटिव, बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा बच्चों, बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा बच्चों, देखो ये सो होगा, तो क्या कैसे आएगा बच्चों, ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा, तो बी आर यहाँ पे आएगा और एच यहाँ पे आएगा, तो ये ऐसा आपका आंसर आएगा। तो क्या बच्चों, ये आपका एंटी मार्कर का रूल है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव यूज होता है, ये समझ लो, या तो जी परोक्ष लिखा होगा या तो आपका H2O2 लिखा होगा, ठीक है ना, तो क्या आपको समझ लगे बच्चों, वहां पे आपका एंटी मार्कर का रूल यूज होता है। हाँ बोलो यार, तो नहीं जोड़ते हैं क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब CH2 जिसके हायर होंगे H। हाँ तो सिंपल सी बात है, आपको देखने का बच्चों, आपको ये देखना है जिस कार्बन के पास, जहां पे डबल बॉन्ड है, जिस कार्बन पे आपका ज्यादा नंबर हाइड्रोजन होगा वो आपका मेजर प्रोटोन होगा, और जो आपका एंटी मार्कर कैसे किसे बेस्ड है, ये बेस्ड है आपका फ्री रेडिकल, ये आपका फ्री रेडिकल बेस्ड है, और आपका जो मार्कर किसे बेस्ड है, ये बेस्ड है आपका कार्बो कटायन की स्टेबिलिटी। अभी कार्बोडी क्या होता है बच्चों, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज खत्म, क्या रिपल है, मतलब क्या रिपल नहीं हुआ बच्चा, बोलो क्या रिपल नहीं हुआ, मतलब क्या रिपल क्या नहीं हुआ बच्चा, समझा नहीं। सर CH3 CH नेगेटिव है और H नेगेटिव, मतलब वो H नेगेटिव है, H CH नेगेटिव करेंगे तब। हाँ देखो ये, देखो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, आपको एग्जाम ऐसे नहीं करना है, आपको यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव करना है, ये आपको एग्जाम में दिया होगा ना, ऐसा एग्जाम में दिया हुआ आपको डाट ये बनाना है, आपको यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नहीं करना है, आपको मैकेनिज्म नहीं पूछा गया, ठीक है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा होता है करके, समझ रहे मेरी बात, अगर मान के चलो आपका एग्जाम ऐसा क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आ गया दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 होल ट्वाइस, और यहाँ पे लिख दिया आपका HBr, आपको बोलेंगे इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा, ये इसका आंसर है CH3 CH2 CH3 CH3 Br, ये इसका आंसर होगा, मतलब क्या होगा, जिस कार्बन पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो क्या होगा आपका, जो आपका हाइड्रोजन है क्या आएगा वहां पे आपका अटैक होगा बस। तो यहाँ पे जो आपको नेगेटिव पॉजिटिव बना रहा हूँ, वो तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, आपको एग्जाम ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा, लेकिन स्टिल मैं देख रहा हूँ
कि आप बच्चे लोग का रिस्पांस बहुत ही लूज है। तो चलो बच्चों आज तक काफ़ी है। कलम क्या करें बच्चों, कलम करने वाला आपका SN1 SN2 रिलेशन पढ़ने वाले हैं, तो कल का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई गेस कल आपका क्लास नहीं होता, आई गेस फ्राइडे को मैं आपको SN1 SN2 को मैं बताऊंगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट। ओके तब तक थैंक यू सो मच बच्चों, अपना ख्याल रखना और प्लीज़ प्रॉपरली पढ़ाई करना जितना मैंने बताया। थैंक यू सो मच, गुड नाइट सर।